पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पंजाब में पराली जलाने से होता है। पंजाब से दिल्ली होता हुआ उत्तर प्रदेश में आता है क्योंकि पराली जलती है और पंजाब में जहां पर सरकार आपकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप पार्टी के हैं। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि पंजाब के कारना में उत्तर प्रदेश को भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुताबिक इस साल 40% पराली कम जली है, जबकि पंजाब के अंदर 30% पराली ज्यादा जली है। इसीलिए पराली जलाने से वहां की सरकार को रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की जीत निश्चित है। मैनपुरी में भी भाजपा अपनी सीट पर परचम लहराएगी। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के दिए गए बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो उल जलूल बातें करते हैं, उनकी बात मेरी समझ से ऊपर है। दरअसल आज वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मुरादाबाद में एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी को रामपुर के उपचुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी को अब उपचुनाव और निकाय चुनाव में फिर से रणनीति बनानी है और पहले से ज्यादा जीत और पार्षद के साथ मेयर को जिताना है। और किस तरह के कार्य अभी आपके विभाग में चल रहे हैं? देखिए, आज हम आए थे, काय समाज का एक प्रोग्राम था, वैवाहिक परिचय सम्मेलन, जिसमें मैरिजेबल एज के लड़के लड़कियों उपस्थित थे, उनके परिवार के लोग उपस्थित थे, और उसमें एक पत्रिका भी छापी गई थी जिसमें हर लड़के और लड़की के जिनका नाम आया था उनका नेम, एज, फादर्स नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर सर्विस में है तो क्या इनकम, लड़के के बारे में भी यही सब इन्फॉर्मेशन, क्या काम करता है, मंगली है या नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अलग अलग बच्चों के बारे में दी हुई थी ताकि लोगों को शादी सेटल करने में आसानी मिले। और उनका उद्देश्य यही था कि परिवारों में जहां शादी में दिक्कत होती है, और आज के समय में खाली लड़कियों की शादी में दिक्कत नहीं है, लड़कों में भी दिक्कत है कि साहब सही बहू नहीं मिल रही है, तो इस तरह से वहां पे मैरिजेबल एज के लड़के लड़कियां उपस्थित थे, पत्रिका में उनके नाम थे, लोग उसमें से पढ़ के जिससे बात करना चाह रहे थे उनको टेलीफोन मिला रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ वहाँ पर कुछ जोड़े तय होंगे। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर यह हमारे रामपुर में आपको मालूम ही है, अब बहुत शीघ्र चुनाव होने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पार्टी भारी बहुमत से वहाँ जीतेगी। उधर मैनपुरी में अभी डिंपल यादव को उतार दिया है, वो वहाँ पर भी अब की बार हमारी पार्टी जीतेगी। क्या कोई विशेष रणनीति रहेगी रामपुर में पसमांदा समाज को एक साथ? अभी कल ही हुआ है पसमांदा समाज का, और रामपुर की जनता आमतौर पर बीजेपी के साथ है। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, वो लगातार कहते हैं कि संघ और भाजपा ने एक रणनीति बनाई है कि उन्हें हर मस्जिद में मंदिर नजर आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अब उनकी बात को वो तो अब बात ही उलदलूल बोलते हैं, इसलिए उनकी बात में मैं कुछ कहने नहीं चाहता, उनकी बात मेरी समझ से ऊपर है। उधर स्वर्गीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे, उनके हथियारों को समय से पहले उन्हें रिहा करने की बात कही गई है, आदेश जारी हुआ, किसे किस तरीके से? अब ये तो वहाँ गए अपनी सरकार का और वहाँ का निर्णय है, इस बारे में वो सरकार ही कुछ कहेगी। तो ये सवाल है पर्यावरण, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो पंजाब में पराली जलाने से होता है, पंजाब में दिल्ली के होता हुआ हमारे NCR में आता है, और पराली जलती है पंजाब में जहाँ पर सरकार है आपकी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप पार्टी के, और भुगतना हमें पड़ लिया NCR में, जबकि हमारे यहाँ पराली बहुत कम जली है, पिछले साल से 40% पराली कम जली है, पंजाब के अंदर 30% पराली ज़्यादा जली है। तो मैं ये कहूँगा कि पराली जलाने से वहाँ की सरकार को रोकना चाहिए और लोगों को अल्टरनेटिव देना चाहिए, बताना चाहिए कि पराली से खाद बन सकती है, पराली को इस तरह से किया जाए कि वहीं के वहीं खाद बन जाए, या उसको एज फ्यूल कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि किसान को फ्यूल, किसान को पराली से भी कुछ आमदनी हो। अच्छा, उपचुनाव की बात